हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल इंस्पायर एडिट्स में। और दोस्तों, आप भी कई समय से मतलब सोच रहे होंगे, यार काश भी हमारे पास लैपटॉप या कंप्यूटर होता तो हम मस्त एडिटिंग करते, हर चीज़ करते। तो दोस्तों, आप ही के लिए ये वीडियो है। इसमें मैं दोस्तों काफ़ी देख के ढूंढ ढूंढ के आपके लिए मतलब काफ़ी बजट में जिस फ़ोन के प्राइस में कंप्यूटर लेकर आया हूँ जो बाकी सबसे अलग है। और इस प्राइस में दोस्तों मेरे को यही देखने के लिए मिला। और दोस्तों, आप इस कंप्यूटर को देखोगे आपको लगेगा इसमें तो बहुत सारी एसेसरीज दे रखी है इसके अंदर। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों और दिखाते हैं हम ऐसा कौन सा कंप्यूटर है। तो दोस्तों, हमें ब्रूटो ब्रांड का ये कंप्यूटर देखने के लिए मिला है जो अभी अमेज़ॉन पर उपलब्ध है और इसकी मात्र प्राइस है 16,000 रुपये। तो दोस्तों, आपने स्पेसिफिकेशन पढ़ी लिए होंगे कंप्यूटर के और आप देख भी सकते हैं ये कंप्यूटर कितना जेन्युइन लग रहा है। और इसके बाद दोस्तों, आप इसके सीपीयू को देख सकते हैं जो जिसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब सारे पोर्ट्स भी सही दे रखे हैं और काफ़ी पतला भी है जो आपको ईजिली रहेगा। डिटेल्स की बात की जाए तो सारी डिटेल्स आपके सामने है दोस्तों, तभी मैं पढ़ देता हूँ। तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो है, ब्रांड ब्रूटो है, सीपीयू मॉडल कोर i3550। हार्ड डिस्क की बात की जाए तो HDD है और हार्डवेयर इंटरफेस की बात की जाए तो 6.0 GB/s USB Ethernet Bluetooth 5। और हार्ड डिस्क इंटरफेस फिर से दोबारा सीरियल अटा है और कलर दोस्तों ब्लैक में ही है ये सिर्फ। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, हमने फीचर एंड डिटेल की पर्ची यहाँ पे आपको दे दी है, तो आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। जब तक आग इसे स्टॉप करके पढ़ लीजिए। दोस्तों, हम नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन के बारे में चलते हैं, पूरी कंप्यूटर डिटेल दे देंगे आपको। मेन स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो दोस्तों, इसमें कलर इसका ब्लैक है और ये दोस्तों आपका फर्स्ट जनरेशन का है और कॉम्पैक्ट ड्राफ्ट ऑल इन वन। और आइटम की दोस्तों हाइट है 10 इंच, जो ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। और आइटम वेट की 15 इंच है तो ठीक है। और स्टैंडिंग स्क्रीन साइज की 15.6 इंच है तो ठीक है। और रेजोल्यूशन इसका 720p है, ये थोड़ा सा कम है, वैसे 1080p तो होना चाहिए था इसमें। और बाकी प्रोडक्ट डायमेंशन भी आप देख सकते हैं। इसका प्रोसेसर भी दोस्तों इंटेल का है जो काफ़ी अच्छी कंपनी है। प्रोसेसर टाइप कोर i3, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि सब में कोर i2 ही देता है, सिर्फ इसमें कोर i3 है। प्रोसेसर की स्पीड भी दोस्तों काफ़ी ठीक है, 3.1 GHz का। और रैम साइज भी 4 GB है जो इतने लगभग में ठीक है। मेमोरी टेक्नोलॉजी DDR3, ये भी काफ़ी सही है। और कंप्यूटर मेमोरी टाइप भी DDR/SDRM, ये भी ठीक है। मैक्सिमम मेमोरी सपोर्टेड 16 GB फ़ोन जितनी करती है ये दोस्तों। मेन बात की जाए तो इसका हार्ड ड्राइव जो साइज़ है उसका 500 GB है जो काफ़ी ठीक है, क्योंकि इतने प्राइस में मैंने अधिकतर देख रखा है इससे बहुत ज़्यादा कमी होता है, लेकिन इस प्राइस में वो काफ़ी इसमें ठीक दे रहा है। बढ़ते हैं अलग कुछ जरूरी स्पेसिफिकेशन बारे में। तो दोस्तों, इसका ग्राफिक कार्ड जो है वो इंटीग्रेटेड है, कनेक्टिविटी वाईफाई है इसमें दोस्तों। वाईफाई है बहुत बड़ी बात है क्योंकि बहुत कंप्यूटर में वाईफाई नहीं होता। और इसमें वायरलेस टाइप ब्लूटूथ 802.11 है। और नंबर ऑफ़ USB पोर्ट जैसे दोस्तों इसमें 6 है, काफ़ी ठीक है। और नंबर ऑफ़ 3 USB 3.0 पोर्ट इसमें 2 है। HDMI पोर्ट से इसमें 1 HDMI का ज़्यादा काम भी नहीं होता, जब भी ठीक है। वोल्टेज आपको 202 वोल्ट AC आप देख सकते हैं। वोल्टेज 300 वाट का है। PC लिनक्स विंडो हार्डवेयर प्लेटफॉर्म सब चलता है। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो है काफ़ी। और इंक्लूड कॉम्पोनेंट्स आप दोस्तों देख सकते हैं कि बॉक्स में क्या क्या देगा। कीबोर्ड देगा, माउस देगा, कॉम्बो मॉनिटर, डेस्कटॉप, वेबकैम, मिनी डिजिटल स्पीकर, जो इसमें अलग से चीज़ भी दे रहे हैं काफ़ी ठीक है। मैन्युफैक्चर ऑल इंडिया और बाकी सब तो आप दोस्तों पढ़ ही सकते हैं, ये सब इतनी जरूरी स्पेसिफिकेशन नहीं है। तो यही दोस्तों कुछ स्पेसिफिकेशन थे। तो इस प्राइस में दोस्तों देखा जाए तो सबसे अच्छा कंप्यूटर मेरे को यही लगा और इसे आप ले सकते हैं। 16,000 ज़्यादा हैवी नहीं और इस प्राइस में आपको हर चीज़ इसमें दे ही देता है। तो दोस्तों, वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगती है और इसमें दोस्तों आपका टाइम 1 लाइक या सब्सक्राइब करने में जाता नहीं है, तो यार कर दो यार। और कुछ दिनों में दोस्तों हम काइन मास्टर के ट्यूटोरियल की सीरीज शुरू करेंगे, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको काइन मास्टर की एडिटिंग में सीखना है। हम पूरी डिटेल में उसे सिखाएंगे।